कौड़ियां ने मेरिया गल पर जे मैं कौड़ियां नहीं करता तो फिर असं अगे नहीं वधदे। इसलिए मेरी बेनती है कि पर्टिकुलर मैं किसी का नाँ नहीं लेना चाहता। नौजवानों में रोसे ने वो अपने वालों कोई नौजवान अपने आगुआ के नाँ लेंदे ने लैन जी सदके। जिन्ना चिर फैसले सख्त तुसी नहीं लेंदे उन्ना चिर वो लोग जिन्हों का मिशन मोर्चा जितना नहीं है जिन्हों के निजी इंटरस्ट ने वो तुहानू भी लैके बह जाएंगे। आही चेहरे ने दो तीन जे मैं लगातार मिल रहे हैं पहला भी मिल रहे हैं वो तो अज भी नाराज ने जिन्हों के मन में कोई खोट हैगी है। मैं कह कि उन्होंने अज स्टेज पर मौजूद नहीं होना चाहिए किधर गए वो लोग तो कि करिए असी गल। इसलिए मैं आपकी गल कह के जावगा कि जोड़े लोग समझते हैं जो इस गफलत ने कि साढ़े बड़े व्डे कद ने हाथी चलता तो कुत्ते भौंकते रहेंगे ने वो अपने आप को संभाल लैन। इस अंदोलन ने तो अगे वधना है इस अंदोलन में तो जहो जलाल जहो जलाल आना है जे असी पिछलियां गलतियों तो सबक सीख के अपनी भविख वाल वधना है उन्होंने गलतियों स्वीकार करना क्योंकि इस स्टेज तो इन जथेबंदियों के आगू जो कुछ भी बोलते रहे इन्होंने किसी भी अपने आगू में यह कह की जहमत नहीं उठाई भाई असी यह बहुत वड्डा अंदोलन लड़ रहे हैं। इसलिए इस स्टेज को यहोजियां जड़िया गल्लां किसी के परसनल अटैक या किसी नीवा विखाउण दीआं जड़ियां गल्लां उह सानूं नहीं करनियां चाहिए। कि मैं नवरीत की शहादत के समय उसकी डेड बॉडी के सराहने बह के अहद लिया सी कि मैं इस मोर्चे को किसी कीमत पर बिखरन नहीं देवांगा तो मैं गुजारिश करूँगा इस मंच तो उन्होंने लीडर कि गलतफहमी चो बाहर आन समझ लो भावें तो लगता कि तुम बहुत व्डे हो पर व्डे उदन होवोगे जो ये मोर्चा जित के जाओगे उदन लोग तुहाडा स्वागत करनगे तुहाडे राह ते फुल सुटणगे उदन लोग जिदन तुम जित के जाओगे। तो जे खुदा नखास्ता तुहाडे इस अहंकार ने तुहाडे इस गलतफहमियों ने मोर्चे का नुकसान किया तो फिर तुहाडे नाल जिहड़ा जिहड़ा तुसीं उम्मीद करदे हो कि लोग तुहानूं खुल्लियां बाहां नाल स्वागत करनगे वो नहीं हो। राय का प्लेटफॉर्म इतने अजय नहीं है असं चाहेंगे कि इतने राय देने वाला कोई प्लेटफॉर्म बने जिसे बैठ के कोई राय दे सके। मैं ये नहीं कहता भी सारे उधरों इधरों भी है दो चार तो उन्होंने निशानदेही कर लो उन्हें दो चार के बदले असी सारी पंथक विचारधारा भी सिक्के टंग दिए सूली से कामरेड विचारधारा भी असं सूली से टंग दिए चंगा नहीं असं दो चार जे इधर उन्होंने पछाण लिए तो दो चार जे उधर उन्होंने पछाण लिए तो जो असं इन्हें दो चार पछाण लेंगे तो मैं नहीं लगता कि बहुत लंबा समा टेक सकेंगे क्योंकि अंदोलन का आकार इन्ना वड्डा है। इस आकार के खिलाफ जिहड़ा भी कोई निजी अपनी अपने दिल के बेईमानी लैके कोई गल करता वो खत्म हो जाएगा उन्हें चलना नहीं। परम सत्कारयोग पंडाल दे विच सज बैठे मेरे किसान वीरों नौजवानों मेरियो माताओं मेरियो भैनों बच्चियों और स्टेज ते विराजमान लीडर साहिबान सारे नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि अंदोलन नू शुरू हुए दिल्ली पहुँचे लगभग चार महीने का समा हो गया और इन चार महीनों आप दो हिस्सों में वंड सकते हैं। पहले दो महीने 26 जनवरी तक ते अगले दो महीने 26 जनवरी तक ये दो हिस्से अपने आप में
बिल्कुल वक्खो वक्ख ने। जिहड़े पहले 2 महीने हैं उन्होंने 2 महीनों का अंदोलन, उस अंदोलन की शानो शौकत, चढ़त उत्साह, आपस में प्रेम, भाईचारा, इतफाक, वो वक्री मिसाल है। तो 26 जनवरी तो बाद जिहड़े आ 2 महीने गुजरे हैं इहदा अलग इतिहास है, क्योंकि 26 जनवरी दीयां घटनावां तो बाद जो कुछ वापरिया वो बहुत चिंताजनक सी। कोशिशां बहुत पहलों भी हुंदियां रहियां, पहले 2 महीनों विच भी कोशिशां होईयां अंदोलन दे विच पेनिट्रेशन दीयां, इसनूं कमजोर करन दीयां, इसनूं खंडाउण दीयां, इस दे खिलाफ परसैप्शन सिरजण दीयां, पर उन्हें किसी भी योजना के सरकार या उस दियां एजेंसियां कामयाब नहीं हुई। और जिहड़े अगले 2 महीने असी लंघे ने, मैनू लगता है कि सरकार नूं बहुत घट करना पिया है, उसदे मनसे जिहड़े हन वो आप मुहारे ही पूरे हुंदे गए, इसलिए असी इन्हां नूं अलग अलग कर सकते। मैं अज ये गल कहना चाहवांगा कि एडा वड्डा अंदोलन जिस विच इन्नियां वड्डियां शहादतां, एडी वड्डी कुरबानी, इन्ने वड्डे एफर्ट्स, इन्नी वड्डी तपस्या होई है, तो उस विच जे कोई खड़ोत है, जे कोई निराशा है या बेभरोसगी है, तो उसकी वजह जिहड़ी है जिन्ना चिर असीं ईमानदारी नाल कबूल नहीं करदे, उन्ना चिर असी कहण नूं कही जाइए स्टेजां ते, मैं भी कह के चला जावांगा कि मोर्चा चढ़दी कला च है, अपने पुराने रौं विच परत आया है, साडे लीडर साहिबान भी कही जाणगे असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, साडी एकता है, साडा किसे नाल कोई गिला नहीं है, साडा किसे नाल कोई वखरेवा नहीं है, पर असी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकांगे जिस लक्ष्य लई असी ये मोर्चा चलाया है और चला रहे हैं। साडा लक्ष्य इस मोर्चे नूं जितना है, जिहड़ा असी तय किया है कि 3 काले कानून रद्द करवाने हैं और MSP की गरंटी रहनी। मैं अपने तजर्बे तो कह सकता हाँ कि मैं की महसूस किया, 26 जनवरी की घटना जिहड़ी सी, कहण नूं कहिंदे ने लोक अनएक्सपैक्टेड आ, इस तरह असी सोचा नहीं जिस तरह हो गया, पर ये एक्सपेक्टेड सीगी कि इसने एवें ही होना सी, क्योंकि इस स्टेज तो जिस तरह का माहौल बनाया गया सी, नौजवानों जिस तरह दी कॉल दित्तियां गईयां सी, जिस तरह के उन्होंने इमोशन बिल्ड किए गए सी, उस तो बाद असी नहीं यकीन ना ये कह सकते सी कि उत्थे कुछ भी एहोजा हैपन नहीं वापरेगा या जिवें असी चाहवांगे उवें हो जाऊगा। हो सकता सीगा, जिवें असी चाहुंदे उवें भी हो सकता सी, पर जे असी वो इमोशन बिल्ड करन वेले जिस तरह की साड़ी स्टेटमेंट सी, असी उस तरह की तैयारी की हुंदी, उस नौजवान दे इमोशन नू अगवाई करने वास्ते असी अपने आप नू उस तरह नाल पेश किया हुंदा, तो हो सकता सी उवें ही अंदोलन दे वधिया सिट्टे हो सकते सी उस दिन, पर नहीं होए, क्योंकि असी इमोशन उभारे, असी लखां ट्रैक्टरां दे नाल परेड करन दे इस स्टेज तो असी अनाउंसमेंटा कीतियां, असी लाल किले ते जाना है, असी मोदी दी हिक ते झंडा चलाउणा है, असी पार्लीमेंट जाना है, ये सारियां गल्लां इत्थे स्टेज तो होईयां, तुसी सारियां ने सुनियां। मैं रिपीट कहण नूं ये गल कहनी चाहीदी है कि सानूं पिछलियां गल्लां भुल जाणियां चाहीदियां, मैनूं रिपीट नहीं करनी चाहीदी, पर जे मैं रिपीट नहीं करांगा तो आपां अगे नहीं चल सकांगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा कि बहुत कुछ होया और जो कुछ कहा गया उससे अमल नहीं होया, इसकी वजह आ 2 महीने जिहड़ा सानू जिहड़ा मोर्चा जिहड़ा मुद्दे मूह डिग्गिया पिया है, इसनू खड़े करने वास्ते सानू यतन करने पै रहे। नौजवानों विच निराशा गई, नाराजगी हुई, और मैं उस नाराजगी नू जायज़ इस करके कह सकता हाँ
कि नौजवान अपनी जगह सही सीगे, वो ईमानदारी नाल मोर्चे दे नाल सीगे, उन्हां नूं जदों भी जो कॉल दित्ती गई उन्होंने उसनों इंप्लीमेंट करने विच अपनी जी जान लाया। रिश्ते सीगे वो क्यों नहीं फिर उन्होंने इमोशंस नूं ऑर्गेनाइज कर पाए, क्यों उन्होंने कोल क्यों ही ब्लू प्रिंट नहीं सीगा कि जो एड्डी वड्डी गैदरिंग असी लैके आनी है तो उसनों असी किस तरह नाल वापस लैके आना, क्यों फिर उन्होंने लिमिटेड समझौते किए, लखा ट्रैक्टरों आवाज मार के क्यों 5,000 ट्रैक्टर ले जाने वास्ते सरकार नाल सहमति दिती, जिहड़ियां कमजोरियां सी इह हुण उही दस सकदे ने। लीडर साहिबां नूं दसना चाहीदा है जे उह ईमानदारी नाल चाहुंदे ने कि असीं अंदोलन नूं जित वल लैके जाण, उन्हां नूं अपणियां जिहड़ियां कमजोरियां ने जिहड़ियां कमियां ने उन्हां नूं ईमानदारी नाल स्वीकार करना चाहीदा, स्वीकार करन तों बाद वड्डा दिल करके उन्हां नूं अनाउंसमेंट भी करनी चाहीदी है जिहड़ी उन्हां तों उम्मीद कीती जांदी। जे वो सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं जी सब ठीक है, जो हो गया उन भुल जाओ, जो हो गया उसकी गल ना करो, मैं भी कह देना और मैं चाहता भी हाँ कि जो बीत गया उन्हें भुल जाना चाहिए, असं अगे ता ही वधांगे, जिहड़ा बीत गया जी असं उसनों रिपीट करांगे तो फिर असं अगे नहीं वध सकांगे, पर बीते तो सबक सीख के जिहड़ा अगे वधना हुंदा उह होर हुंदा, बीते नूं भुल जाना उत्ते मिट्टी पा देनी उह गल होर हुंदी है। इस अंदोलन ने ता अगे वधना है, इस अंदोलन में तो जहो जलाल आनी जहो जलाल आना है जे असी पिछलियां गलतियां तो सबक सीख के असी भविख वल वधना है, उन्होंने गलतियां स्वीकार करना है। बेशक मैं मानता कि यह कल्ली जिम्मेवारी इन्हां जथेबंदियों की नहीं है, जदों असी कहने कि यह लोक लहर है तो फिर इन सारे लोगों की जिम्मेवारी है, साड़ी भी जिम्मेवारी है इसनों कामयाब करना। जे उहदे विच कोई प्राप्तियां हन, जे असी वह कहना चाहते हैं मानना कि वह साड़ियां सारियां दियां प्राप्तियां हैं तो सानू यह स्वीकार करना चाहिए कि जे उहदे विच कोई कमियां ने जे विच कोई ऊणताइयां ने वह भी सारियां साड़ियां सांझियां। मैं इस अगवाई कर रही जथेबंदियों नू भी तीन कैटेगरी वंडदा हाँ, इन्होंने तीन काम किए। जिहड़ा सब तो वधिया इन्होंने काम किया वह यह है कि इन्होंने सानू जिहड़ी सरकार नाल साडी टेबल ते जिहड़ी जंग सी वह इन्होंने जिताई। दूसरा इन्होंने जिहड़े परसैप्शन इत्थे बणदे सीगे उस दे विच इन्हां दा फेलियर है पूरी तरह, क्योंकि इस स्टेज तो इन्हां जथेबंदियां दे आगू जो कुछ भी बोलते रहे इन्होंने किसी भी अपने आगू नूं यह कहण दी जहमत नहीं उठाई भाई असीं यह बहुत वड्डा अंदोलन लड़ रहे हैं, इसलिए इस स्टेज तो इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां किसी ते परसनल अटैक या किसी नूं नीवां विखाउण दीआं जिहड़ियां गल्लां सानूं नहीं करनियां चाहिए। इस स्टेज तो होईआं ते उहनां दे किसी ने साडे स्टेज दे जिम्मेवार लीडर ने कंडेम नहीं कीता उहनां नूं भी इस बंदे ने गलत कीता असीं इहदे नाल नहीं हैगे। ते जदों तुसीं कोई गल मैं अज्ज इस स्टेज तो कुछ गल कहवां तो स्टेज पर बैठे हुए जिम्मेवार लोग जड़े आ चुप करके नीवियां पा के बैठे रहन तो फिर इनू सहमति तो अलावा की समझा जाऊगा, इसलिए वह गल्लां सहमति समझा गया लीडरशिप की कि जड़ियां गल्लां अंदोलन के खिलाफ जांदियां सी जड़े निजी अटैक हुए इस स्टेज तो उन्हां दी कोई कंडमनेशन इस लीडरशिप वालों नहीं हुई। यह इन्हां दा फेलियर है, इहदे विच असीं सारे लोग नहीं आउंदे, कलैक्टिव नहीं हो सकता, यह यह सिलेक्टिव है क्योंकि ये इन्हों की स्टेज इन्हों की मर्जी नाल चली, इसलिए कलैक्टिव जिथे है वह उत्थे सारे असी हैं, सिलेक्टिव जिथे है वो ये अलग ने। फिर इन्होंने जोड़े प्रोग्राम दिते ने इस स्टेज तो उन्होंने प्रोग्रामों देन वास्ते जिस तरह की इन्हों की कवायद होनी चाहिए सी, जिस तरह के इन्हों को सारे उस प्रोग्राम जो जो डिमांड्स ने इस मोर्चे दियाँ, ये मोर्चा कोई छोटा मोर्चा नहीं है, बेशक ये तीन काले कानूनों लैके मोर्चा शुरू होया, यह सिर्फ पंजाब चो शुरू होया फिर हरियाणा रलिया से इतने आके बैठ गए, पर दो महीने में तो बहुत वड्डा आकार लै गया। इस स्टेज पर मैं इतने रहा, इस स्टेज के उत्ते जिन्नी वड्डा समर्थन इस मोर्चे नूं मिलिया मैनू नहीं लगता कि साडे देश की कोई इहोजी जथेबंदी जिहड़ी इस देश प्रति ईमानदार सुहिरद जागदी जमीर वाली जथेबंदी होवे, चाहे छोटी तो छोटी चाहे वड्डी तो वड्डी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਕਾਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚੌਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਚੌਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, UNO ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਦ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਖਰਾਵ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਦਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ABCD, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਖ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਓਗੇ? ਜਿੱਦਣ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ
अपनी पछाण निखेड़ो उन्हां नालों वक्री करो। सानू भी पता लग चुका है इन्ह चार महीनों से, साडा भी तजर्बा है, कहिंदा है कि मोर्चे विच वड्डा हिस्सा ईमानदार लोगों का है, वड्डे हिस्से दे जिहड़े वड्डे वड्डा हिस्सा आगूआं दा किसान जथेबंदियां विच वड्डा हिस्सा है जिहड़ा वह ईमानदारी नाल एफर्ट्स भी कर रहा और इसनू जितना भी चाहुंदा है, पर वह सिर्फ इस डर तो खुल के उन्हां दी मुखालफत नहीं करता कि किते एकता ना टुट जाए। तो मैं यहोजी एकता मैं समझा कि तुहाडे लई ना सूर बन जाएगी एकता, तुहाडे ईमानदारी नाल किते एफर्ट्स नू लैके बैठ जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अज यही कहना चाहना है कि अज भी मैं इस गल का मलाल है, इस गल का कि एक बंदे दो महीने तो मैं पूरे पंजाब दे विच नौजवानों दे विच विचर विचर के इन्हां नू लैके इत्थे आया है। बेशक साडी तुसीं अगवाई कीती है, आही चेहरे ने दो तीन जिहड़े मैनू लगातार मिल रहे हैं, पहला भी मिल रहे हैं, वो तो अज भी नाराज ने, जिन्हां दे मनां विच कोई खोट हैगी है, मैं कहां फिर कि उन्होंने अज स्टेज पर मौजूद नहीं सी होना चाहिए, किधर गए वो लोग, तो कि कुड़े करिए असी गल। इसलिए मैं आपकी गल कह के जावगा कि जोड़े लोग समझते हैं जो इस गफलत ने कि साढ़े बड़े व्डे कद ने हाथी चलता तो कुत्ते भौंकते रेंगे ने, वो अपने आप को संभाल लैन ना, तो वह एडे वे हाथी ने तो ना आ लोग जोड़े जिन्होंने तुम आ खिताब देंगे ना ये लोग वो ने। इसलिए मैं अज फिर इस स्टेज तो ईमानदारी कहना चाहना कि मैं नवरीत की शहादत के समय उसकी डेड बॉडी के सराहने बह के यह लिया कि मैं इस मोर्चे को किसी कीमत पर बिखरन नहीं देवगा। मेरे विच जिन्ने साह ने जिनी मेरी ताकत है मैं ईमानदारी इस मोर्चे को कामयाबी तक ले जाने लावगा। तो मैं गुजारिश करूँगा इस मंच तो उन्होंने लीडर कि गलतफहमी चो बाहर आन, तुसी समझ लो भावें तुहानू लगता कि तुसी बहुत वड्डे हो, पर वड्डे उदण होवोगे जदों ये मोर्चा जित के जाओगे, उदण लोग तुहाडा स्वागत करनगे, तुहाडे राहां ते फुल सुट्टणगे उदण लोग जदों तुसी जित के जाओगे। तो जे खुदा नखास्ता तुहाडे इस हंकार ने तुहाडे इस गलतफहमियों ने मोर्चे का नुकसान किया तो फिर तुहाडे नाल जिहड़ा जिहड़ा तुसी उम्मीद करते हो कि लोग तुहानू खुल्लियां बाहां नाल स्वागत करनगे वो नहीं होना। तो नौजवानों में भी मैं बेनती करना सारे ब्लेम लीडर से सिट के तुसी बरी नहीं हो जाना, भी तुसी जे कहो कि सारे गुनाह उन्होंने असी कुछ भी नहीं किया तो असी मासूम हाँ जी, तुहानू भी अपनी जिम्मेवारियां समझनिया चाहिए। तुसी राय दे सकते हो, अपनी राय का प्लेटफॉर्म इतने अजे नहीं है, असी चाहवांगे कि इतने राय देने वाला कोई प्लेटफॉर्म बने जिथे बैठ के कोई राय दे सके। दो महीनों में मैं जेडे अपने आप मैं इस करके कहना भी मैं जो सब तो वड्डा हैगा इस मोर्चे का विक्रम जिहड़ा हाँ, मैं अजे सारे आगुआ नूं नहीं मिल सकिया दो महीनों के साढ़े आगुओं को मैनू मिलन का टाइम नहीं है, मैनू नहीं टाइम दिता मेरे आगुआ ने भी मैं मिल के उन्होंने अपना दुख ही साझा कर सकता। तो नौजवान कि जो को बैठने कि अपना दुख साझा करे, कोई यहोजा मंच बनाओ जिदे पिछे बैठ के नौजवान अपनी गल कर सकन, तुहानू अपना उन्होंने फील्ड है वह अपने फील्ड में विचरते हैं, वो दसनगे फीडबैक तुहानू लिया के भी लोग तुहाडे तो की चाहते हैं। तुसी आपकी मनमर्जी करिया जे, असी तुहानू रोकते नहीं, फैसले तुहाडे ने, असी उहदे नाल खड़े होवांगे, पर जे वह फैसला लोक राय चो पिछे बैठ के डिस्कशन चो निकल के आएगा उहदे नतीजे चंगे निकलणगे। तो तुसी इहो जिहा कोई प्लेटफॉर्म पिछे बनाओ, असी नहीं चाहते भी तुसी लाई रखो बैरीकेड भी असी स्टेज पर किसी नूं नहीं चढ़न देना, ना चढ़न दो, पर पिछे तो कोई जगह दो लोगों जिथे बैठ के तुहाडे नाल गल कर सकन, अपने दिल की गल दस सकन भी आ हो रहा जी, जी थी स्टेटमेंट आ रिएक्शन आ, जो तुम इन एवें बजाय एवें दे लेंगे तो फिर आ रिएक्शन नहीं सी आना। सो एक तो यह प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं इतों लड़के नहीं जाना थोड़े नाल, भी तुम समझो मैं मेहनत उमेनी होकर मैं चले जाऊँगा, मैं आखिरी सह तक के मोर्चे नाल हाँ, मैं बेच हाँ हर समय थोड़े बेच हाँ। तो मैं चाहाँगा कि आप पिछे कोई यहोजा कोई जगह नियत करिए
जिथे बैठ के जिन्हों भी किसी ने अपनी राय देनी है वो आके तुहानू दे सकन। तुसी अपनी कोई पंज मैंबरी कमेटी बना दो भी आ साडी पंज मैंबरी कमेटी है जिहड़ी नामजद कर दे जथेबंदियां कर देण भी आ साडी पंज मैंबरी कमेटी है जिन्हें भी अपनी कोई राय देनी आ पिछे साडा कैबिनेट दे विच आके राय दे देण ते उह कमेटी जिहड़ी आ अपनी अपनी एग्जैक्टिव च रख लवे ते एग्जैक्टिव नूं जिहड़ी राय सही लगे वह मन लवे जिहड़ी राय सही नहीं लगे ते उहनूं सिर्फ ईगो का इशू ना बनाया जाए कि जे असी ये राय मान लाँगे तो साडा कद छोटा हो जूगा फिर असी लीडर कहदे जे असी राय मान ली ते जे ये सोच आ भी जे किसी की राय मनिया साडी लीडरशिप बौनी हो जाती है फिर मैं नहीं समझता कि वह लीडर का कोई बहुत वड्डा कद है। सो कौड़ियां ने मेरिया गल्लां पर जे मैं कौड़ियां नहीं करता तो फिर असी अगे नहीं वधदे। इसलिए मेरी बेनती है कि पर्टिकुलर मैं किसी का नाँ नहीं लैना चाहता। नौजवानों में रोसे ने वो अपने वालों कोई नौजवान अपने आगुआ के नाँ लेंदे ने लैन जी सदके ठीक है पर सारे नौजवान जड़े ने वो किसी ना तो एक नौजवान के पिछे ने ते ना सारे नौजवान किसी एक नौजवान आगू ना कोई नाराज है। इस तरह सारे जड़े किसान जड़े जड़े है वो सारे किसान जथेबंदियों के नाल नहीं है वो इंडिविजुअल भी है। यह सारी जी रली मिली राय है जी उन्होंने जो असं समेटा समेटने की जिम्मेवारी तुहाड़ी है कि तुहाड़ी अगवाई चल रहे हैं। असी 7 मार्च में जोड़ा इतने समागम कराया सी अरदास समागम असी अपना पक्ष बिल्कुल क्लीयर कर चुके हैं। पंथक धिरों का पक्ष असी बिल्कुल क्लीयर कर चुके हैं कि पंथक धिर ये कोई धिर नहीं है असी तुहाड़े सहयोगी हाँ तो सहयोगी इस करके कि साडा सिद्धांत सानू ये कहिंदा कि तुसी सहयोग करो क्योंकि किसान जिहड़ा किसान संघर्ष चल रहा ये किसान मजदूर जिहड़ा मजलूम है जालम है सरकार जिद ना मजलूम टकरा रहा तो असं मजलूमों खड़े होना इसलिए असं तुहाडे नाल खड़े हाँ। तो दूजा प्रसैप्शन जिहड़ा सीगा 7 तरीक नूं जिहड़ा इत्थे बनाया गया सी कामरेड वर्सेज पंथक विचारधारा तो मैं कहण विच बिल्कुल ये गल संकोच नहीं करूँगा कि कामरेडा वालों जिहो जिहा उस दिन जवाब दिता गया डॉक्टर दर्शनपाल जिहड़ा कामरेडा दे आगू ने और वड्डा नाँ है कामरेडा दे विच उसने जिहड़ी गल कही असीं उसका स्वागत करते हैं भी उसने बहुत वड्डी गल कही स्टेज तो उन्हें कहा मैं गुरु महाराज की हजूरी में खड़ के कहना है कि इस अंदोलन की जे रीढ़ है तो पंजाब का सिख किसान है जे इस अंदोलन इस रीढ़ से कोई टिकया होया सिर है तो वह पंजाब के सिख किसान का सिर है। हुण वह कौन लोग सी जिहड़े कहिंदे सी भी पंथक विचारधारा तो कामरेड विचारधारा का टकराव है मेरे ख्याल वो टकराव सारे उदलों उत्थे भस्म हो गए गुरु महाराज की हजूरी उदू बाद कोई टकराव नहीं ना तो किसान पंथक विचारधारा नाल कामरेडा का कोई टकराव है ना कामरेडा की विचारधारा ना कोई पंथक टकराव टकराव है बंदियां दा टकराव है बंदियां दा दो चार उधरों है दो चार इधरों भी है। मैं ये नहीं कहता भी सारे उधरों इधरों भी है दो चार तो उन्होंने निशानदेही कर लो उन्होंने दो चौं दे बदले असी सारी पंथक विचारधारा भी सिक्के टंग दिए सूली ते तो कामरेड विचारधारा भी असं सूली से टंग लिए ये चंगा नहीं असं दो चार जड़े इधर उन्होंने भी पछाण लिए तो दो चार जड़े उधर उन्होंने भी पछाण लिए तो जो असं इन्हें दो चार पछाण लेंगे तो मैनू नहीं लगता कि बहुत लंबा समा टेक सकेंगे क्योंकि अंदोलन का आकार इन्ना वड्डा है। इस आकार के खिलाफ जिहड़ा भी कोई निजी अपनी अपने दिल के बेईमानी लैके कोई गल करता होगा वो खत्म हो जाएगा उन्हें चलना नहीं। इसलिए मैं बेनती करूँगा कि आप सारे तुसी सारिया ने जिन्ना मैं सुनिया बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा अपनी सारिया की हुण एक कलैक्टिव जिम्मेवारी है क्योंकि यह निरा किसानी अंदोलन नहीं एक लोक लहर है। इस लोक लहर नूं साडा देश ही नहीं पूरी दुनिया उम्मीद दी नज़रां नाल वेख रही है। इस देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है मोदी सरकार वालों लोगों के सारे अधिकार खो ले गए ने लोगों की जबानबंदी कर दी गई है कोई किसी का कोई अधिकार नहीं इंसाफ जिहड़ियां अदालतां दिंदियां सी सरकार की जेब में पईआं जिन्नियां साडियां संस्थावां सी जिन्हां तों लोग उम्मीद करते सी उह सरकार ने कैप्चर कर लिया। हुण किन्ने लोगों के घरां च नोटिस चले गए जिहड़े इस अंदोलन नूं सपोर्ट करते किन्ने घरां च ईडी दे छापे वज गए जिन्होंने इस अंदोलन नूं सपोर्ट किया। तो मैं ये भी गल कहांगा कि इस अंदोलन की अगवाई करन वालियां जथेबंदियां नूं कलैक्टिवली ये गल कहनी चाहिए है कि इस अंदोलन की वजह करके जिसनों भी कोई नोटिस गया वो पैरवाई भी असी करांगे जिस दे घर भी ईडी का छापा पिया जा सीबीआई का कोई छापा पिया उसकी भी पिछते असी खड़ा खड़ा और सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि इन्होंने हथकंडियां तो बाहर आवे।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ 40-40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ